अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं जनता हिल। अगर आप अपनी फुल बॉडी को वाइट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आज आपके साथ बहुत ही सिंपल फुल बॉडी वाइटनिंग बॉडी वॉश शेयर करने वाली हूँ। इससे आप न सिर्फ अपनी बॉडी को साफ करोगे, नीट एंड क्लीन करोगे, उसके साथ साथ ये बॉडी वॉश आपकी स्किन को, आपकी बॉडी की स्किन को वाइट करने में और लाइट करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये बॉडी वॉश आपकी फुल बॉडी को मॉइस्चराइज भी करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। बॉडी वॉश बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी कॉफ़ी। आपने सिंपल कॉफ़ी लेनी है, ब्लैक कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी में कैफीन होता है जो हमारी स्किन से डार्कनेस को रिमूव करता है। कॉफ़ी हमारी बॉडी से डार्कनेस को रिमूव करके, हमारी जो पिगमेंटेशन होती है उसको रिमूव करके हमारी बॉडी को लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ मैं 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो कॉफ़ी के यूज़ कर रही हूँ। आपने कॉफ़ी को थोड़ा सा पीस लेना है ताकि उसका पाउडर सा बन जाए। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी के यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन, ग्राम फ्लोर। आपने बेसन के भी 2 ही टेबलस्पून इसमें ऐड करने हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में फेस वॉश या बॉडी वॉश बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। बेसन में जिंक होता है जो हमारी स्किन पे जो भी इन्फेक्शन हो जाता है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बेसन हमारी स्किन से टैन भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन, या मैं 1 टेबलस्पून भर के ग्लिसरीन का ऐड कर रही हूँ। आप भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ग्लिसरीन जो है वो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। हमारी स्किन से एक्नी, ब्लैक हेड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है रोज़ वाटर। यहाँ मैं 4 से 5 टेबलस्पून भर के रोज़ वाटर के यूज़ करूँगी। आपने रोज़ वाटर ही यूज़ करना है, नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं करना है। रोज़ वाटर हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को कंट्रोल करता है, हमारी स्किन पे एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारी स्किन पे एक्नी आने से रोकता है। रोज़ वाटर के बहुत ही ज़्यादा स्किन बेनिफिट्स हैं। लास्ट पे इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जॉनसन बेबी शैम्पू। आपने यही ऐड करना है क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता है, तो इसलिए जो है ये आपके एक तो बॉडी वॉश को फोमी बॉडी वॉश बना देगा और कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और 100% नेचुरल ही रहेगा। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो इसमें जॉनसन बेबी शैम्पू का ऐड किया है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर किसी भी खाली बॉटल में या फिर स्प्रे बॉटल में आपने इसको निकाल लेना है। ये ज़बरदस्त सा 100% नेचुरल बॉडी वॉश रेडी हो चुका है। इस बॉडी वॉश को आप 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और 15 दिन के बाद आपको न्यू बॉडी वॉश बनाना होगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है क्योंकि ये नेचुरल है, तो नेचुरल रेमेडीज से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ ही दिन के यूज़ से आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने अपनी बॉडी को वेट करने के बाद, गीला करने के बाद इसको अप्लाई कर लेना है और 5 मिनट तक इस बॉडी वॉश से अपनी बॉडी को अच्छे से मसाज करना है और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को धो लेना है। इस बॉडी वॉश को आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, इसका आपको फेस पे भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी एक दफ़ा कहने पर आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो से पिक्चर्स अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।